बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी प्रियंका चोपड़ा डायरेक्टर अली आवाज जफर की भारत के लिए पहली पसंद थी, जिसके नाम का ऐलान निर्माताओं द्वारा बहुत पहले कर दिया गया था। हालांकि प्रियंका चोपड़ा ने निक जॉनर्स संग शादी रचाने के लिए भाईजान की ये फिल्म छोड़ दी और सबको चौंका कर रख दिया। बता दें, प्रियंका चोपड़ा के इस फैसले से सलमान खान काफी नाराज हुए थे और इसका सबूत फिल्म के प्रमोशन के दौरान सभी को मिल रहा, जब सलमान खान ने लगातार प्रियंका चोपड़ा पर निशाना साधा और कई सारी हेडलाइनें बनाई। बता दें, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा भारत लौटी थी और लौटते ही उन्होंने अपनी बॉलीवुड कमबैक फिल्म द स्काई इज पिंक की टीम के साथ पार्टी भी की। इस पार्टी के दौरान उन्होंने अपने मन की बात रखी और बताया कि उन्होंने अपने बॉलीवुड कमबैक के लिए द स्काई इज पिंक को ही क्यों चुना। इस दौरान प्रियंका चोपड़ा और प्रोड्यूसर सिद्धार्थ राय कपूर ने अनजाने में सलमान खान का मजाक उड़ा डाला। असल में जिस समय प्रियंका चोपड़ा बता रही थी कि उन्हें द स्काई इज पिंक को ही उन्होंने अपनी कमबैक फिल्म के रूप में क्यों चुना, ना कि किसी जबरदस्ती बॉलीवुड मसाला फिल्म को, तभी सिद्धार्थ राय कपूर ने पूछ डाला, आप किसी बॉलीवुड फिल्म की बात कर रही हैं? इसके बाद पार्टी में मौजूद सभी लोग हंसने लगे, यहाँ तक कि खुद प्रियंका चोपड़ा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।